नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु सिद्धांत पुनर्बार जीवंत आहार को आपण मानक स्वागत जनाए आसतु प्रत्येक दिन पर आज मध्य पवित्र बाइबल रु किछि अंश आम्भे माने पाठ करी ताहाकु ध्यान करिबा ताहाठारु शिक्षा ग्रहण करी आपण आपण जीवन रे प्रयोग करी बंचिबाकु चेष्टा करिबा। आजर ध्यान अंश मार्क लिखित सुसमाचार 6:30-44 दयालु मेषपालक जीशु आज मुख्य प्रसंग आसतु आम्भे माने आज शास्त्रांश को एकत्र पाठ करिबा आउ एठारे प्रकार लिखा जाए परे प्रेरित माने जीशुंक निकटरे एकत्र हेले आउ सेमाने जहा जहा करिथिले ओ जहा जहा शिक्षा देइथिले सेही सबु ताहांकु जणाइले सेथिरे से सेमानकु कहिले तुम्भे माने अंतर होई गोटे निर्जन स्थानकु जाई किछि समय विश्राम कर कारण अनेक लोक जीवा आसवा करुथुबारु सेमानकर भोजन करिबाकु सुधा सुजोग नथिला तहिरे सेमाने अंतर होई नौकारे गोटे निर्जन स्थानकु बाहरि गले किंतु अनेक सेमानकु बाहरि जीवारु देखिले ओ चिन्हिले पुणी लोक माने समस्त नगररु पादगतिरे सेठाकु एकत्र दौड़ी जाई सेमानकु आगरे पहुँचिले से नौकारु बाहरि बहु संख्यक लोकंकु देखि सेमानक प्रति दयारे विगलित हेले कारण सेमाने अरक्षक मेष परि थिले पुणी से सेमानकु अनेक विषय शिक्षा देबाकु लागिले बेळ बहुत हेबारु ताहांको शिष्य माने ताहांको निकटकु आसी कहिले ए स्थान तो निर्जन पुणी बहुत बेळ हेलाणि लोकमाने जेपरि चतुर्दिगर पल्ली ओ ग्राम मानंकु जाई आपणा आपणा निमन्ते खाइबा पई किछि किणन्ति एथि निमन्ते सेमानकु विदाय दियंतु किंतु जीशु सेमानकु उत्तर देले तुम्भे माने सेमानकु भोजन कराओ सेमाने ताहांकु कहिले आम्भे माने कोण जाई 100 टंकार रोटी किणी एमानकु भोजन कराइबा सेमानकु कहिले तुम्हमानक पाखरे केतोटी रोटी अछि जाई देख सेमाने बुझि आसी ताहांकु कहिले 5 रोटी पुणी 2 माछ सेथिरे समस्ते जेपरि दळ दळ होई कोण घास उपरे बसंती एथि पई सेमानकु आज्ञा देले तहिरे सेमाने सह सह ओ 50-50 जण करी दळ दळ होई बसिले परे जीशु सेई 5 रोटी ओ 2 माछ घेनि स्वर्ग आड़े ऊर्ध दृष्टि करी आशीर्वाद कले एवं रोटी गुड़िक भांगी लोकमानंकु परिवेषण करिबा निमन्ते शिष्यमानंकु देबाकु लागिले पुणी सेही 2 माछ से समस्तंक मध्यरे भाग करि देले सेथिरे समस्ते भोजन करी तृप्त हेले आउ सेमाने भंगा रोटी उठाई 12 टकाई भर्ती कले एवं माछरु किछि किछि गोटाइले रोटी खाइबा लोकमाने 5000 पुरुष थिले पठित शास्त्रांशरे प्रभु आम प्रत्येकंकु आशीर्वाद करंतु आसंतु पठित शास्त्रांशकु बुझिबा निमन्ते चेष्टा करिबा जीशु एक नौकारे चढ़ी शिष्यमानक सहित विश्राम करिबा निमन्ते एक निर्जन स्थानकु चलीगले तथापि सेही स्थानकु जाई बहुत लोक ताहांकु अनुसरण कले जीशु सेमानक प्रति दयारे विगलित हेले एवं विश्राम करिबा छाड़ी सेमानकु शिक्षा देबाकु लागिले संध्या हेबा परे शिष्य माने जीशुंकु परामर्श देले जे लोकमानकु किछि खाइबाकु पठांतु किंतु जीशु सेमानकु सेमानकर मेषपालक भावरे भोजन कराइबाकु स्थिर कले से निज शिष्य मानकु मध्य एही कार्यरे अंश ग्रहण कराइबा निमन्ते इच्छा कले से स्थानरे पुरुष केवल 5000 जन थिले महिला ओ शिशु मानकु छाड़ी एवं जीशु से 5 रोटी ओ 2 माछरे सेमानकु परितृप्ति पर्यंत भोजन कराइले आजर शास्त्रांशरे जीशु किए अटंती प्रिय माने आसंतु चिंता करिबा 34-44 पर्यंत से आम्भमानकर उत्तम मेषपालक अटंती जगतर राजा माने एवं उच्च पदवीरे थिबा लोक माने मेष परि शक्तिहीन दुर्बल लोक मानकर जत्न नियंती नाही जे प्रकार जेहिजिकल 34:1-8 वर्णना करा जायछि तथापि जीशु से मानकु सबुज चराणी भूमि रे बसाइले एवं से मानकु प्रचुर भावरे भोजन कराइले परितृप्तिर सहित से माने भोजन करि पारिले केवल जीशु हेउछंती उत्तम मेषपालक जे आम्भ मानकु प्रकृत विश्राम ओ परितृप्ति प्रदान करि पारंती जेहिजिकल 34:23-24 मध्यरे बि एहार एक निदर्शन आमे देखि पारु आजर शास्त्रांशरु ईश्वर आम्भ मानकु कोन शिखाइबाकु चाहंती प्रिय माने आसंतु ताहा बे माने शिखिबा ओ आपणा आपणा जीवन रे प्रयोग करी ईश्वरंकर गौरव निमन्ते बंचिबाकु चेष्टा करिबा 37:41
ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୟାଳୁ ମେଷପାଳକ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଏବଂ ପାଦ ପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଯୀଶୁ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରା କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାନ ଯେତେ ଛୋଟ କି ନ୍ୟୁନ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ବଢ଼ାଇ ଦେଉ, ସେ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ଅନେକଙ୍କର ପରିତୃପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆସୁ, ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପି ଦେଉ। ଆଉ ତାହା କେବଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇନପାରେ, ତାହାମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ତାହାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କେବଳ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ତାହାକୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ସମର୍ପି ଦେବି, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା ଏବଂ ହୃଦୟ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।